इस देश में हनुमान को लेकर एक अलग तरह की सियासत पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। जरा सोचिए, तुलसीदास जी ने जब अवधि में राम हनुमान चालीसा लिखी होगी तो उस समय उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि 21वीं सदी के भारत में हनुमान चालीसा को लेकर इस तरह का बवंडर खड़ा हो जाएगा और हनुमान चालीसा के नाम पर सियासत की चालीसा चमकाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में आखिर हनुमान के नाम पर इतना ज्यादा बवाल क्यों हो रहा है। आपको बताते चले, महाराष्ट्र में एक तरफ जहां सांसद नवनीत राणा ने आज सुबह 9 बजे मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा करने का ऐलान किया, उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। शिवसैनिक उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए, जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ, जिसको देखते हुए 6 घंटे के बाद हालांकि उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। लेकिन उसके बाद हम सब ने देखा शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने किस तरह से हनुमान चालीसा गाकर नवनीत राणा पर साधा है निशाना। महाराष्ट्र की ये जो राजनीति हनुमान चालीसा के इर्द गिर्द घूम रही है, बीजेपी के ऊपर दरअसल शिवसेना पूरी तरह से आरोप लगा रही है कि नवनीत राणा अगर इस तरह की सियासत कर रही है तो उसके पीछे बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी सरकार में नहीं, इस वजह से अपनी खींच मिटाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी के नेता लगे हुए हैं। महाराष्ट्र की सियासत क्या रंग दिखाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आज दिन भर महाराष्ट्र में भगवान हनुमान के नाम पर, हनुमान के नाम पर किस तरह की राजनीति छाई रही, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा होता तो मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई देती। कि हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है? हनुमान चालीसा का पाठ हुआ होता, लेकिन शिवसैनिकों के हंगामे के आगे निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का प्लान फेल हो गया। मुंबई में उद्धव के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने पर अड़ी नवनीत राणा ने अपने रुख में बदलाव किया। मुझे लगता है मेरा उद्देश्य स्पष्ट तरीके से पूरा हो गया है। मैं नहीं पहुंच पाई मातोश्री तक, रवि राणा जी नहीं पहुंच पाए, पर हमारे रूप में जो हनुमान चालीसा वहां होना चाहिए था, जो हम करने वाले थे, वो कई भक्त हनुमान जी के जाके वहां पे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था कि संकट मोचन, संकट हटाए हमारे महाराष्ट्र से, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठन होता है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए उद्धव ठाकरे को चैलेंज दिया था। वक्त सुबह के 9 बजे का मुकर्रर किया गया। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति मातोश्री जाने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही मुंबई के खार इलाके में राणा के घर के बाहर बड़ी संख्या में शिवसैनिक जमा हो गए और हंगामा करने लगे। बैरिकेडिंग तोड़ दी, सड़क पर आर पार की लड़ाई दिखने लगी। ऐसे में राणा दंपति को अपने घर में बंद होकर रहना पड़ा, लेकिन जब मीडिया के सामने नवनीत राणा आई तो उद्धव पर चुन चुन कर वार किया। जो भी गुंडे उद्धव ठाकरे ने हमारे घर तक भेजे हैं, वो अमरावती के घर में हो या मुंबई के घर में हो, ये शिवसैनिक तो कभी से चले गए। बाड़ा साहब के साथ उनके शिवसैनिक, ओरिजिनल जो शिवसेना निर्माण जिसने की, वो उनके साथ ही चले गए। आज की जो शिवसेना रह गई है वो गुंडों की शिवसेना रह गई है, और उद्धव ठाकरे के इशारों पे गुंडागर्दी करने के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र में काम कर रही है। पर महाराष्ट्र पे जो संकट आया है और जो उद्धव ठाकरे के इशारों पे ये शिवसैनिक गुंडे बनकर यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं, तो ये किसी और का काम नहीं है, उद्धव ठाकरे जी का काम है। और उद्धव ठाकरे के ही इशारे पे पूरे महाराष्ट्र में बंगाल जैसी परिस्थिति निर्माण करने का काम ये उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। अब ये लड़ाई शिवसेना के लिए नाक की लड़ाई बन गई। यही वजह है कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने नवनीत राणा को घेरने के लिए उनके ही संसदीय क्षेत्र अमरावती जाकर आंदोलन का ऐलान कर दिया। शिवसेना को नवनीत राणा के इस सियासी दांव के पीछे बीजेपी की चाल नजर आ रही है। ये बोगस कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत बड़ा कांड है। अमरावती की जो सांसद है उनका बोगस सर्टिफिकेट कांड है,
वो दबाने के लिए केंद्र से उनको मदद मिल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, हाईकोर्ट ने उसको फटकार लगाई है, हाईकोर्ट में वो हार गई है और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, स्टे दिया है, लेकिन केंद्र से इस व्यक्ति को मदद हो रही है। शिवसैनिकों के हंगामे पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। वो राणा पति और पत्नी दो लोग, क्या कहा उन्होंने, हम जाके हनुमान चालीसा बोलेंगे। अगर जाने देते, किसी कोने में जाके हनुमान चालीसा बोलते, घर जाते, न कोई न्यूज बनती, न कोई उसका कोई इम्पैक्ट होता। किंतु मुझे समझ में नहीं आता है, इतने लोग जमा करना, मानो वो कोई हल्ला करने के लिए आ रहे, हमला करने के लिए आ रहे, इस प्रकार से इतने लोग जमा करना, इधर जमा करना, उधर जमा करना, इतना ही नहीं, रास्ते पर जाने वाले सभी लोगों के ऊपर हमले करना, ये कौन सी राजनीति है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व का खुद को अलंबरदार कहने वाली शिवसेना को पहली बार खुली चुनौती मिली है। जिस मुद्दे पर शिवसैनिक अब तक सियासत की सीढ़ी चढ़ते आए, उसी मुद्दे पर उन्हें घेरने की लगातार तैयारी है। इससे पहले राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर पर नमाज को लेकर जो लड़ाई महाराष्ट्र में छेड़ी है, ये मुद्दा अभी थमा भी नहीं था कि नवनीत राणा के ऐलान ने शिवसेना के खेमे में खलबली मचा दी। वैसे तो बजरंग बली संकट मोचक है, किसी को उनके भजन कीर्तन पर क्या आपत्ति, लेकिन महाराष्ट्र में अब इस पर सियासत जोर पकड़ने लगी है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी गर्माएगा। मुंबई से विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।